दोस्तों डिमिट्री सोनिया एंड ओरियन के जमाने में भी हमारे गेम के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने भाई अपने गेम के अंदर अलग ही क्रेज बना रखा है, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे भाई आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर्वाइव करना है हो जाएगा, रस करना है ये भी हो जाएगा, सपोर्टर रोल प्ले करना है ये भी हो जाएगा, और क्या बचा, नेडिंग करना है, चलो ये भी हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कैरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 यानी कि तत्सुया कैरेक्टर के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं तत्सुया कैरेक्टर का एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो कि 2024 के अंदर सबसे लेटेस्ट एंड सबसे बवाल कॉम्बिनेशंस होने वाले। बट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले प्लीज गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर्स से काफी क्लोज है, तो प्लीज यार जल्दी से वो कंप्लीट करवा देना। ओके, सो आज का जो हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है रसिंग कॉम्बिनेशन। तो अगर आप लोग 2024 के अंदर तस्वीर कैरेक्टर को यूज करने वाले हो रसिंग के लिए, तो उसके लिए आपको तस्वीर के साथ सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है लूना के एबिलिटी को, जो कि आपके गन के रेट ऑफ फायर को 8% इंक्रीज कर देती है। मतलब कि भले ही आप लोग कोई सा भी गन यूज करो, ये हर एक गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देती है। मतलब कि हर गन से कम टाइम के अंदर ज्यादा गोलियां निकलेंगी, जिससे आपका हेडशॉट भी काफी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और अगर हेडशॉट नहीं भी लग रहे तो डोंट वरी, बॉडी शॉट से भी एनिमी काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको इसके अंदर मूवमेंट स्पीड भी मिलता है। मतलब कि आप लोग इसका मूवमेंट स्पीड का यूज करके एनिमी के ऊपर इजिली रश भी कर सकते हो, और शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको ठोक कर भी आ सकते हो। अब क्योंकि भाई यहाँ पर शॉर्ट रेंज की बात हो रही है, रसिंग की बात हो रही है, तो भाई शॉर्ट रेंज के अंदर और तबाही मचाने के लिए आपको लूना के साथ यूज करना है हयातो के एबिलिटी को, जो कि आपका आर्मर पेनिट्रेशन इंक्रीज कर देगा। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो उसके हेलमेट और वेस्ट के ऊपर ज्यादा डैमेज पड़ेगा, जिससे कि इनडायरेक्टली उसके ऊपर भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो अगर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर तत्सुया के साथ लूना और हयातो को यूज करोगे तो एनिमीज के ऊपर एडिशनल रेट ऑफ फायर के साथ एडिशनल डैमेज पड़ेगा, जिससे कि एनिमीज इजीली खत्म हो जाएंगे। अब इन सब के बाद गाइस बचेगा आपके पास लास्ट वाला स्लॉट, जहां पर आपको यूज करना है जोसेफ के एबिलिटी को, जिसके एबिलिटी को यूज करने के बाद ना आपके ऊपर सीरो का एबिलिटी काम करेगा, ना मोको का काम करेगा, ना ओथो का काम करेगा, और ना ही होमर और A124 का काम करेगा। मतलब कि अगर आप लोग इस पूरे कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो आप लोग बिल्कुल सीमलेस रसिंग कर सकते हो, मतलब कि बिना रुके बिना थमे एनिमीज को घुसकर पेल करा सकते हो। ओके, सो इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है सपोर्टर रोल्स के लिए। मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज से कवर फायर भी देते हो और शॉर्ट रेंज के अंदर अपने टीममेट्स का हेल्प भी करते हो, तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए? तो यहां पर आपको तस्वीर के साथ सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है मारो के एबिलिटी को, जिससे आप लोग लॉन्ग रेंज से जिस भी एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे उसके ऊपर 25% डैमेज ज्यादा पड़ेगा। तो अगर आप लोग एक सपोर्टर हो तो भाई ऑब्वियसली आप लोग लॉन्ग रेंज से अपने टीममेट्स को कवर फायर दोगे या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करोगे। तो उस केस के अंदर अगर आप लोग मारो के एबिलिटी को यूज करोगे और किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे, तो नॉर्मली एनिमी को जितना डैमेज पड़ना चाहिए उससे 25% डैमेज ज्यादा पड़ेगा। मतलब कि लॉन्ग रेंज से एनिमी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है एंटोनियो के एबिलिटी को, जो कि आपको 40 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा, सबसे पहले आपका वो शील्ड पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद आपका एचपी खत्म होगा। तो जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करोगे या फिर शॉर्ट रेंज के अंदर अपने टीममेट को सपोर्ट करने जाओगे, तो वहां पर जब भी एनिमीज आपको डैमेज देंगे तो वहां पर सबसे पहले आपका शील्ड पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद आपका एचपी खत्म होगा। तो इससे आपका जो इनडायरेक्टली एचपी है ना वो इंक्रीज हो जाता है अगर आप लोग एंटोनियो कैरेक्टर को यूज करते हो तो। और ऑब्वियसली भाई अगर आपके पास एचपी ज्यादा है, हेल्थ ज्यादा है, तो आपके पास हमेशा एक अपर हैंड रहता है, भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, वहां पर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भाई शॉर्ट रेंज या फिर लॉन्ग रेंज दोनों ही जगह फाइट को इजीली निकालने के लिए आपको अपने थर्ड स्लॉट के अंदर एंटोनियो की एबिलिटी को यूज करना है। अब इसके बाद भाई बचेगा आपके पास लास्ट वाला स्लॉट, जहां पर आपको यूज करना है थीवा की एबिलिटी को। अब क्योंकि भाई आपको तस्वीर के अंदर रैपिड फास्ट स्प्रिंटिंग स्पीड देखने को मिल जाता है, तो इसके मदद से आप लोग जो भी आपके टीममेट्स डाउन पड़े हुए हैं जल्दी से उनके पास जाके आप थीवा के मदद से सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव दे सकते हो, जो कि शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के अंदर भाई काफी यूजफुल बन जाता है। क्योंकि शॉर्ट रेंज कॉम्बैट के अंदर भाई टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए आपके पास 3-4 सेकंड का टाइम नहीं होता है, तो वहां पर अगर आपके पास थीवा का एबिलिटी होगा तो आपका टीममेट सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव हो जाएगा, और रिवाइव होने के बाद उसको 60 एचपी भी मिलेगा। तो इसलिए भाई अगर आप लोग 2024 के अंदर एज अ सपोर्टर खेलने वाले हो, तो भाई 2024 के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अब इसके बाद जो अगला कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है नेडर्स के लिए। तो अगर आप लोग नेडिंग करते हो साथ में तस्वीर कैरेक्टर को यूज करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है कैली कैरेक्टर की एबिलिटी को, जिससे होगा ये कि आपको तस्वीर का तो स्प्रिंटिंग स्पीड मिलेगा ही, साथ में कैली का भी कॉन्स्टेंट 6% का स्प्रिंटिंग स्पीड मिलेगा, जिससे कि आप लोग सबसे पहले एक बेटर पोजिशन में जाके नेडिंग कर सकते हो। और नेडिंग कर रहे हो तो भाई ऑब्वियसली आपको अगले स्लॉट के अंदर अलवारो की एबिलिटी को भी यूज कर लेना है, और एट द एंड लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है मोको की एबिलिटी को, जिससे होगा ये कि जिस भी एनिमी को आप लोग नेड से डैमेज दोगे उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा, और वो जहां भी मूव करेगा उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको नेडिंग के टाइम भी काम आएगा, साथ में जब आप लोग रस करोगे तो वहां पर भी काम आएगा। अब नेडिंग के टाइम पे भाई आपको इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट क्या मिलेगा वो आप लोग यहां पर देख सकते हो। यहां पर जब मैंने नेड किया तो भाई तीन बंदे को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज पड़ा, कोई भी डाउन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि तीनों के ऊपर डैमेज पड़ा था तो भाई इसीलिए तीनों के ऊपर मोको का मार्क आ गया, और कौन बंदा कहां मूव कर रहा है मुझे पता चल गया। फिर मैंने तस्सुया और कैली का स्प्रिंटिंग स्पीड का यूज किया, उसके पास गया, और जो लास्ट बंदा
बंदा भाग रहा था उसको भी मैंने इजिली मार दिया। तो ऐसे ही गाइस, अगर आपको भी तसुया कैरेक्टर का यूज करके नेडिंग करना है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है 2024 के अंदर। इससे आप लोग थोड़ा बहुत रस भी कर लोगे और नेडिंग भी कर लोगे। बट यहाँ पर गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर एक भी एचपी रिकवर वाला कैरेक्टर एड नहीं किया है, क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन भाई क्लैश स्क्वाड के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर इन तीनों में से अपने रोल के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करते हो तो भाई लोड आउट के अंदर सिंपली सीक्रेट क्लू को रख लेना, वहां पर से आप लोग ईपी और एचपी बफ को परचेज करके अपना एचपी रिकवर कर सकते हो। और इसीलिए गाइस मैंने क्लैश स्क्वाड कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी एचपी रिकवर वाला कैरेक्टर नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं कॉम्बिनेशन के अंदर एचपी रिकवर वाला एबिलिटी डालता तो भाई वहां पर एक स्लॉट वेस्ट हो जाता। तो इसलिए भाई जो काम लोड आउट से हो सकता है उसके लिए कैरेक्टर क्यों यूज करना है। तो इसलिए भाई क्लैश स्क्वाड के लिए आप लोग इन तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन एचपी रिकवर के लिए आप लोग लोड आउट के अंदर सीक्रेट क्लू को जरूर से रख लेना। लेकिन वही अगर आप लोग फुल मैप खेलते हो तो वहां पर एचपी रिकवर के लिए आपके पास सिर्फ बॉनफायर होता है, और बॉनफायर को भी आप लोग सिर्फ दो बार यूज कर सकते हो, तो वहां पर आपको एक बढ़िया कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइस अगर आप लोग फुल मैप खेलते हो तो वहां पर आपको तसुया के साथ सबसे पहले वाले स्लॉट के अंदर यूज करना है एंटोनियो की एबिलिटी को, जो कि अगेन आपका मैक्सिमम एचपी इंक्रीज करेगा, आपको 40 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ क्योंकि आप लोग तसुया कैरेक्टर को यूज करने वाले हो फुल मैप के अंदर, तो ऑब्वियसली भाई आप लोग फाइट्स भी करोगे, और फाइट्स को इजीली निकालने के लिए भाई जो हमारे पास सबसे बेस्ट एबिलिटी है वो है लूना की एबिलिटी, जो कि शॉर्ट रेंज फाइट और लॉन्ग रेंज फाइट दोनों ही जगह काफी यूजफुल है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये सभी गन के रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करेगी। तो भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, लूना के मदद से फाइट्स को आप लोग काफी इजीली निकाल लोगे। और लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है फोर्ड या फिर वुल्फ्रा में से किसी भी एक कैरेक्टर को। यहां पर अगर आप लोग जोन के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो आप लोग फोर्ड को यूज कर सकते हो, जो कि जोन के अंदर भी आपका एचपी रिकवर कर देगा। और वहीं अगर आप लोग वुल्फ्रा को यूज करते हो तो इससे आपका थोड़ा बहुत डिफेंस भी हो जाएगा, मतलब जब भी एनिमी आपके ऊपर हेडशॉट मारेगा तो आपके हेड के ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, और वहीं जब आप एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो उसके हेड के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर तसुया कैरेक्टर को यूज करके अपना रैंक पुश करना चाहते हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये एक ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है, इसको आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग रेंज के अंदर भी यूज कर सकते हो, और एज आई सेड आप लोग थोड़ा बहुत सर्वाइव भी कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। सो ये था गाइस आज का हमारा वीडियो, जहां पर आपको मैंने तसुया कैरेक्टर के साथ चार बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया, जो कि 2024 के अंदर भाई बवाल कॉम्बिनेशन है। इनमें से अगर आप लोग किसी को भी अपने रोल के अकॉर्डिंग क्लैश स्क्वाड या फिर फुल मैप के अंदर यूज करते हो तो भाई आपको मैं लिख कर देता हूं, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। बाकी ये वीडियो अभी तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना, और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि अगला कॉम्बिनेशन किस कैरेक्टर के ऊपर चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए।